आई स के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है ये वीडियो देखने से पहले ये आपसे एक रिक्वेस्ट है अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज दूसरे फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं और कमेंट सेक्शन जो नीचे वीडियो में है वहां पर कमेंट जरूर कीजिएगा ना आप अपनी वीडियो देख सकते हैं

Uh, Dr. Mortimer? He didn't leave his name, sir. No, it's here on the stick, Mrs. Hudson. Oh, is it? I didn't notice. Do you know any Dr. Mortimer, Watson? No. Uh, what did he want? He didn't say, sir. What do you make of it, Watson? Why should I make anything of it? The fellow came to see you. Ah, but what kind of a fellow? Let me hear you reconstruct him from his walking stick by our usual method of elementary observation. Well... I should say that Dr. Mortimer is a successful man. Well esteemed. Good. Excellent. I should say that he does a great deal of his visiting on foot. Because the iron ferrule is, is worn down. Perfectly sound. Let's have a look at this inscription. From his friends of the CCH. CCH. I should say that's the something or other hunt. Really, Watson, you've excelled yourself. Oh, has anything escaped me? Almost everything, my dear fellow. Huh? A present to a doctor, I'd say, is more likely to come from a hospital than a hunt. And when the letters CC are placed before the hospital, the name Charing Cross Hospital rather obviously presents itself. Oh, you may be right. Furthermore, I'd say that Dr. Mortimer had a small practice in the country and was the owner of a dog. How can you tell that? Quite simple. From the teeth marks. Look, you can see for yourself. A rather large dog, I'd say. And unless I'm mistaken, Dr. Mortimer will call on us again in a few moments. Rubbish, Holmes. Rubbish. How the devil can you deduce that? Well, as he left his stick, isn't it reasonable to presume that he'll come back and get it? Dr. Mortimer, sir. <hopping around> <experiencesforeign Juliet musicOR farewell> <tteokbokki> आपने देखा होगा वीडियो में किस तरीके से सेटअप किया गया है दो कैरेक्टर्स है ब्लैक कोट में एक लेडी आई थी उनकी असिस्टेंट एक स्टिक देकर गई तो ये पूरी की पूरी जो चैप्टर है स्टोरी है वो स्टिक के ऊपर है लेट्स स्टार्ट द स्टोरी शेलोक होम्स हुई वेरी लेट इन द मॉर्निंग्स वॉज सीटेड एट द ब्रेकफास्ट टेबल आई पिक द स्टिक विच आ विजिटर हैड लेफ्ट बिहाइंड हिम द नाइट बिफोर शेलोक होम्स मॉर्निंग में हमेशा लेट उठते हैं उठने के बाद डायरेक्ट ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ जाते हैं कोई ओकेजन हो तो जल्दी उठ जाएंगे अदरवाइज आराम से अपने नॉर्मल डेज में लेट उठेंगे उन्होंने आ, देखा कि एक विजिटर स्टिक छोड़ के गया है और वो स्टिक मेरे टेबल पे पड़ी हुई है मुझे उसको इन्वेस्टिगेट करना है कि किसकी है इट वॉज अथ राउंड हेड जस्ट अंडर अ ब्रॉड सिल्वर बैंड एक बड़ी सी स्टिक होती है जिसके सहारे लोग चलते हैं सो लंडन में ए स्टिक है जो लोग वॉक करने के लिए यूज करते हैं ऐसी कि उनको स्टिक मिली है जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है एक सिल्वर कलर की पट्टी लगाई हुई है लिखा है टू जेमस मोर्टिमर एम आर सी एस फ्रॉम हिस्स ऑफ द सी एच सो इसका मतलब क्या है ये किसके स्टिक है ये सब अब ये लोग फाइंड आउट करने वाले हैं उनकी जितनी भी मैथड है उसका इस्तेमाल करके सो दिस वॉज एनग्रेव्ड अपॉन इट विच डेट 1884 अब इसके ऊपर ये एमआरसीएस का मतलब है इंपॉर्टेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होता है मेडिकल एग्जाम का नाम है सीसीएच का फुल फॉर्म अभी तक हमें यहाँ पर बताया नहीं गया है Engraved का मतलब है यहाँ पर कुछ डिजाइन से लिखना किसी सरफेस के ऊपर लिखवाना जैसे हम मेटल के हमारे घर पे जो बर्तन होते हैं वेसल इसके ऊपर लिखवाते हैं वो इलेक्ट्रिक पेन से तो so, जिसके ऊपर लिखा हुआ था 1884, एटी फोर इट वॉज जस्ट सॉर्ट ऑफ स्टिक That the old fashion family भी. practitioner used to carry, dignified, solid and reassuring. इतनी सी चीज पढ़ने के बाद इनको समझ में आ गया कि ये किसी ओल्ड प्रैक्टिशनर प्रैक्टिशनर का मतलब यहाँ पर डॉक्टर की है जो ये सॉलिड एंड रीअश्योरिंग मतलब एक कंफर्ट देने वाली लकड़ी को लेकर घूम रहा है मतलब अपने सहारा उसके लिए एक सपोर्ट सिस्टम है जब वो वॉक करता है तो इसके सहारे चलता है रीअश्योरिंग का मतलब है गिविंग कंफर्ट एंड होप टू समवन हु इज और वरीड यहाँ पर पूछा गया है हाउ केन वॉकिंग स्टिक बी रीअश्योरिंग सो भाई जो यूज करता है उसको पूछोगे तो बेटर यू कैन गेट योर आंसर बट लेट्स गो अहेड विद द डायलॉग यहां पर शुरू हो रहा है शेलॉग से

सिर के पीछे दो आंखें हैं <laughs> वॉटसन का आंसर है ये शेरलोक को सो so शेलोक बोलते हैं आई हैव अ वेल सिल्वर प्लेटेड कॉफी पॉट इन फ्रंट ऑफ मी बट टेल मी वॉटसन वट डू यू मेक ऑफ आवर विजिटर स्टिक वॉटसन के क्वेश्चन पे आंसर दे रहे हैं कि भाई हाँ एटलीस्ट मेरे पास एक वेल पॉलिश सिल्वर प्लेटेड कॉफी पॉट है मेरे सामने तो मैं देख सकता हूं उसमें से तुम क्या कर रहे हो पीछे बट छोड़ो उस बात को मुझे ये बताओ वॉटसन कि तुम्हारा इस स्टिक के बारे में क्या कहना है सिंस वी हैव बीन सो अनफॉर्चुनेट एज टू मिस हिम एंड हैव नो आइडिया ऑफ ऑफ दिस एक्सीडेंटल सोवेनियर बिकम्स इंपॉर्टेंस बोलते कि जिस तरीके से हम बहुत ही अनफॉर्चुनेट अनलकी है कि हम उस आदमी को मिल नहीं पाए कल कौन था पता नहीं चला वो कौन आकर गया हमको मिलने आया था और हमें आइडिया भी नहीं है कि उसका पर्पज आने का क्या था ये जो एक्सीडेंटल मतलब जो बाई चांस ये चीज छोड़ के गया ये इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर ये छोड़ के गया है ये हमारे लिए अब एक टास्क बन चुका है कि जानना पड़ेगा कि वो बंदा कौन था आखिर जो हमको मिलना था बोलते हैं को प्लीज तुम मुझे बताओ यार इस को जरा देखो और मुझे बताओ ये कौन हो सकता आदमी सो so यहाँ पर वॉटसन आंसर दे रहे हैं आई थिंक दैट डॉक्टर मोर्टिमर इज सक्सेसफुल एल्डरली मेडिकल मैन

ज अ ग्रेट डील ऑफ इज विजिटिंग ऑन फूड जो पैदल पैदल जाते होंगे गाँव में इसलिए इस स्टिक का यूज करते होंगे शहर लोग पूछते हैं वॉटसन को वाई सो वाई सो ऐसा क्यों लगता है टाउन प्रैक्टिस इट क्योंकि टाउन प्रैक्टिस ने इतनी स्टिक यूज करता ही नहीं होगा इट इज वोन डाउन तुम अगर देखोगे तो ये घिसीपीटी थोड़ी लग रही है मतलब यूज लग रही है

शेलो क्या बोलेंगे ले really, you यार तुम्हारी बात लाजवाब बात पर्सन आई वॉज प्राउड प्राउड मुझे बहुत प्राउड हो रहा था टू थिंक दैट आई फार मास्टर्ड मतलब मैं बहुत स्किलफुल पर्सन बन गया हूँ इस सिस्टम के अंदर शेलो के डिटेक्टिव है उसको भी पता चल रहा है कि क्या सही क्या गलत बोल रहा है वॉटसन सो so, बोल रहा है कि भाई मैं भी सिस्टम में ही हूं मुझे भी मास्टरी की हुई है मैंने इसके अंदर मुझे भी पता है अर्न हिज अप्रूवल अप्रूवल का मतलब होता है यार पर अप्रीशियशन मुझे भी लगता है कि ये की वजह से उसको ये स्टिक मिली है ही नाउ द स्टिक फ्रॉम माय हैंड्स एंड एग्जामिन इट फॉर अ फ्यू मिनट्स देन केरिंग इट टू द विंडो ही लुकड ओवर इट अगेन विद अ कॉन्वेक्स लेंस मेरे हाथ से छीन कर वॉटसन ले गया विंडो के नजदीक जहां पर थोड़ी सी लाइट आ रही थी वहां उसको मैग्नीफाइंग लेंस से ऑब्जर्व करने लगा वॉटसन बोलते हैं हैज एस्केप मी लगता है मुझसे कुछ छूट गया है इसको ऑब्जर्व करने में मेरे से कुछ भूल हुई है आई ट्रस्ट दैट देर इज नथिंग ऑफ न इंपॉर्टेंस पहले बोलते हैं क्या लगता है मैं कुछ भूल चुका हूं फिर एग्जामिन करने के बाद बोलते हैं नहीं 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 मैंने कोई चीज ऐसे छोड़ी नहीं है मैंने सब कुछ परफेक्टली ऑब्जर्व किया है और मेरा जो बात है वो मैंने परफेक्टली बताई है श्यालोक यहाँ पर आंसर दे रहे हैं आई एम अफ्रेड माई डियर वॉटसन मुझे थोड़ा डर लग रहा है आप किस बात का डर लग रहा है

और वो ज्यादा चलता होगा ये दोनों में मुझे डाउट हो रहा है कॉन्वेक्स लेंस आपको पता है magnifying lens होता है। होता बोलते हैं मैग्नीट right. कहते हैं बोलते है, भाई देख मैं कुछ हद तक तो सही हूं ना तो शहलोक बोलते हैं हाँ कुछ ही हद तक तुम सही हो हंड्रेड परसेंट नहीं वॉटसन बोलता है चलो ठीक है यही था भाई मेरे पास जो मेरा ऑब्जर्वेशन है मैंने आपको बता दिया शेलोक बोलते हैं नो नो माई डियर वाटसन

ये एक हम नोट डाउन करते हैं प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस है इस डायरेक्शन में कि ये वही हो सकता है बट हंड्रेड परसेंट अभी श्योर नहीं हम लोग तो हमें थोड़ा और आइडियाज लेने चाहिए जानकारी लेनी चाहिए का मतलब CCH का मतलब क्या है वॉटसन बोलते हैं वेल देन सपोजिंग दैट अगर सोच लो कि सीसीएच दस स्टैंड फॉर चेयरिंग क्रॉस हॉस्पिटल वॉट फर्दर इंटरफरेंसिस मे वी ड्रू चलो एक नाम तो हमें शायद पता चल गया सी सी एच मीन चेयरिंग क्रॉस हॉस्पिटल थोड़ा और भी इंफॉर्मेशन हमें निकालना पड़ेगा द वर्ड का मतलब है डिसीजन वर्क आउट फ्रॉम अवेलेबल इन्फॉर्मेशन जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है उससे हम इतना कंक्लूजन तो पहुंच ही गए बोलते हैं यू नो अप्लाई ने पूछा कि आगे क्या तो शहलोक बोलते तुम्हें मेरी सारी मैथड तो पता ही है ना अप्लाई करना उसे यार डोन आंसर वॉटसन फिर कहते हैं आई कैन ओनली थिंक दैट द मैन हैज प्रेक्टिस्ट इन टाउन बिफोर गोइंग टू द कंट्री अब इसका आंसर बदल गया पहला बोला उसने कि कंट्री साइड का डॉक्टर लग रहा है आप बोलता है कि नहीं नहीं जाने से कंट्री साइड जाने से पहले शायद वो टाउन में मतलब शहर में एक डॉक्टर रहा होगा बाद में वो रिटायर होने के बाद वो कोई गांव में चला गया होगा लोग बोलते हैं आई थिंक वी माइट वेंचर अ लिटिल फर्दर देन दिस वेंचर का मतलब है डेयर हम लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं सजेस्ट कर रहे हैं आगे जा रहे हैं लुक एट इट इन दिस लाइट इस लाइट में आओ जरा उस ध्यान से स्टिक को देखो ऑन वॉट ओकेजन वुड इट बी द मोस्ट प्रोबेबल तो मैं क्या लगता है कौन से ओकेजन पे लोग इसको देंगे बच्चों मैं आपसे भी पूछ रहा हूं कौन से ओकेजन पे एक डॉक्टर को इतनी अच्छी स्टिक दी जाएगी इतनी महंगी समझ लो इतनी अच्छी वाली वुड हिज फ्रेंड्स यूनाइट टू गिव हिम अ प्लेज ऑफ गुडविल उसके फ्रेंड्स कब कौन से दिन साथ में मिले होंगे ये चीज देने के लिए प्लेज ऑफ दर गुडविल मतलब एक सजेस्टेड एक्सप्लेनेशन जो होता है जो हम दे रहे हैं हम सजेस्ट कर रहे हैं कि कब मिले होंगे लोग ने कब प्रेजेंटेशन दिया होगा डॉक्टर को ऑब्वियसली

मुझे ये भी लगता है ये हॉस्पिटल के कोई स्टाफ का मेंबर तो नहीं होगा क्योंकि ये वेल एस्टैब्लिश मैन है लंडन में प्रैक्टिस करता है एक हाई पोजिशन पे है सच अ वन वु नॉट और ऐसा बंदा कोई कंट्री साइड में मतलब गांव में तो जाएगा नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी वेल सेटल लंडन में गाँव क्यों जाएगा बॉस तो ये शैलो के माइंड में एक क्वेश्चन आता है

टेरियर डॉग से बड़ा है और मेस्टिफ डॉग से छोटा है ऐसा उनको लगता है पर किस बेसिस पे सो so वॉटसन थोड़ा हंस पड़ते हैं यहां पर वॉटसन आई लाफ इन होम्स लीन बैक सीट सीट जब वो अपने से उठकर मेरी तरफ आया मुझे थोड़ी हंसी आ गई और मैं बोला एस टू द लास्ट पार्ट आई हैल्ट टू फाइंड आउटर अबाउट द मैं प्रोफेशनल करियर देखो ये एक इतना तो डिफिकल्ट नहीं है कि एक आदमी की एज और प्रोफेशनल करियर चेक करना पर एक वर्ड है, मतलब है, है, दे है, है मेडिकल एक मेडिकल डिक्शनरी निकालता हूँ एंड लुक द नेम डॉक्टर का नाम ढूंढता हूं शायद उस डिक्शनरी में उसका नाम मिल जाए तो एज पता चल जाएगी सेवरल मोटिमर्स मोटिबर्ट डॉक्टर का नाम है तो काफी सारे नाम है उस डिक्शनरी में बट ओनली वन कुड़ बी अवर विजिटर देखो इतने सारे डॉक्टर में से सिर्फ एक डॉक्टर जिसने हमको विजिट किया वो सभी नेम में से एक हो सकता है तो उसने काफी सारे नाम पड़े यहाँ पर मोर्टिमर जेम्स एम आर सी एस एटीन एटी टू इम्पेन डार्टमोर डेवोन हाउस सर्जन फ्रॉम एटीन एटी टू टू एटीन एटी फोर एट कैरिंग क्रॉस हॉस्पिटल देखो यहाँ पर यह हाउस सर्जन फ्रॉम एटीन एटी टू टू एटीन एटी फोर एट कैरिंग क्रॉस हॉस्पिटल फॉर दिस ऑफ ग्रिमपिन मिला है उसको इसमें मतलब मतलब, so, शहलोग बोलते हैं नो मैंशन ऑफ दैट लोकल हंट देख कहीं पर भी लोकल हंट का में यहाँ पर वाटसन बता चल मेरे को वाटसन यहाँ पर थोड़ा मिस्चीवियस स्माइल देकर पूछते हैं मतलब उसकी बात को गलत ठहराना चाहते हैं वाटसन तो कब से नहीं बोला था हंट हंट ग्रुप पर कोई जगह पर तेरे को दिखा डिक्शनरी में बट अ कंट्री डॉक्टर है एज टू राइट एमिएबल अनएम्बिशियस एंड माइंडेड इट इज माई एक्सपीरियंस दैट इट इज ओनली एन एमिएबल मैन तुमने जो तीन चीज कही थी मुझे तो एक ही चीज लग रहा है कि एक एमिएबल मैन हो सकता है इन दिस वर्ल्ड हु रिसीव प्रेजेंटेशन

मैंड लंडन कैरियर फॉर द कंट्री लंडन कैरियर मतलब लंडन का कैरियर छोड़ देगा और कंट्री चला जाएगा एंड ओनली तो होगा. होगा जो अपनी स्टीक यहाँ पर छोड़ के जाएगा पर विजिटिंग कार्ड छोड़ के नहीं जाएगा उसे बोलतेड स्टीक छोड़ के गया अपने विजिटिंग कार्ड छोड़ के नहीं जा सकता क्या हम कॉन्टेक्ट करें वाटसन बोलता है अच्छा तो डॉग के बारे में तुम्हारा क्या कहना है अब वॉटसन अब शेलोक बताने वाला है कि डॉग के बारे में रियल इन्फॉर्मेशन क्या है

लंबे रूट तक ना पकड़ पाए तो उसका जो डॉग है उसके मुंह में पकड़ के डॉक्टर के साथ चलता रहेगा द द डॉग्स एज शोन इन स्पेस बिटवीन ये जो पूरा जो पूरा डॉग के दांतों के निशान है उससे लगता है कि ये उसका जबड़ा बहुत बड़ा भी नहीं होगा और बहुत छोटा भी नहीं होगा बड़ा मतलब टू ब्रॉडर फॉर टेरियर और नॉट ब्रॉडर इनफ फॉर अ डॉग तो कोई इन बिटवीन का कोई डॉग हो सकता है इट मे हैव बीन यस इट इज अ कर्ली हेड है एक करली हेल वाला हो सकता है डॉग हो सकता है। yes, सब के हैं। आगे बोल रहे रूम एज स्पोक नाउ ही हॉल्टेड इन फ्रंट ऑफ द विंडो वहां से वो उठ गया विंडो की तरफ चला गया और वॉटसन बोल रहे हैं कि माई डियर शेरलो तुम इतने श्योर कैसे हो सकते हो इस सभी चीजों के बारे में तब श्यालो बोलते हैं फॉर द वेरी सिंपल रीजन दैट आई सी द डॉग हिमसेल्फ ऑन डोर स्टेप एंड इज इज द बेल डॉक्टर हमारा डॉग डॉग डोर पर भी था और ने बेल भी बजाया था तो इन सब चीजों को सोचकर मैं बता रहा हूं कि उसके पास डॉग था सो so, यहां पर स्टोरी खत्म होती है कंक्लूजन दिया नहीं है पर हाँ एक आपको लगता है ना अभी तक स्टोरी खत्म नहीं हुई है तो अगर आपको पूरी जानकारी लेनी है तो उसकी जो बुक है रियल बुक द हाउंड ऑफ द द द हाउस ऑफ ये आपको पढ़नी पड़ेगी स्टोरी को खत्म करने के लिए और होप अगर आपको मजा आया है तो डेफिनेटली आप इस बुक को पढ़ने जाओगे इस स्टोरी को लिखा है सर आर्थर कॉनन डोयले और डॉयल बोल सकते हैं वोटेवर यू से सो मुझे इंटरेस्टिंग ये लगता है कि इन दोनों की जो कॉन्वर्जेशन है बहुत इंटरेस्टिंग है आपको और मजा लेना है ना है तो उसके बारे में तो उसकी मूवी है आप देखो बुक पढ़ो कार्टून सीरीज देखो डेफिनेटली यू गोइंग टू लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस टू कैरेक्टर्स होप मैंने जो आज आपको समझा है आपको समझ में आया होगा अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है मेरे लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिलन बाय टेक केयर